हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का पाटीनिहित प्रश्न 1.22 है। तो आइए इसे समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है? दे रखा है कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिकाएं होती हैं वे रंगीन होते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि आयनिक सॉलिड में मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण जो एनायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस होती हैं जिससे आयनिक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। इस बात को आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो देखिए कैसे लिया हमने एग्जाम्पल। हम धातु अधिक के दोष के NaCl क्रिस्टल के उदाहरण द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। हम इस बात को NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है उसका एग्जाम्पल लेकर हम इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट को समझा सकते हैं। देखिए फिर आगे लिखा है कि जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है, आयनन के कारण Na पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाता है, दोनों जुड़कर NaCl बनाते हैं। देखिए आपने क्या करा कि आपने ये करा कि जब आपने NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के वातावरण में गर्म करा, उससे क्या हुआ, जब आपने गर्म करा जो सोडियम परमाणु था वो क्रिस्टल की सतह पर जम गया और क्रिस्टल की सतह पर जमने पर सोडियम परमाणु का आयनाइजेशन हो गया जिससे वो Na से Na पॉजिटिव बन जाता है और क्रिस्टल से Cl नेगेटिव विसरित हो जाता है, निकल जाता है। तो आपके पास Na पॉजिटिव आ गया, आपके पास Cl नेगेटिव आ गया, दोनों मिलकर NaCl बना देते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए Cl नेगेटिव के निकल जाने से उत्पन्न ऋणायनिक रिक्तिकाएं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित कर ली जाती हैं। अब देखिए जब Cl नेगेटिव अपने क्रिस्टल के लैटिस साइट से क्रिस्टल स्थल से निकल जाता है तो वहां पर एनायनिक वैकेंसीज ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, तो उस एनायनिक वैकेंसी को आयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित कर ली जाती है कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उस एनायनिक रिक्तिका में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो फिर अब उस एनायनिक रिक्तिका को हम क्या कहेंगे, हम उसे F केंद्र कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो F केंद्र में है ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाते हैं, परिणाम स्वरूप रंगीन दिखाई देते हैं। यही कारण है NaCl कभी कभी पीले रंग का दिखाई देता है। तो आपने क्या जाना कि जो एनायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस हुई थी, उत्पन्न हुई थी, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ताकि क्रिस्टल न्यूट्रल बना रहे, क्लियर, उदासीन बना रहे, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाकर कहां चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप हमें क्या दिखाई देता, रंगीन दिखाई देता है। इसी कारण कहा गया है कि NaCl सोडियम क्लोराइड कभी कभी आपको पीले रंग का दिखाई देता है। देखिए सोडियम कभी कभी आपको पीले रंग का दिखाई देता है, इस पर भी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, और F केंद्र F सेंटर किसे कहते हैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं, क्लियर। F का मतलब होता है फारबेन सेंटर जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। चलिए इस बात को अब हम फिगर से समझते हैं, नोट कर लीजिए इन सबको आप। देखिए ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है जिसमें हमने आपको क्या समझाया कि भाई हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के साथ क्या करा, गर्म करा, उससे क्या हुआ, देखिए सोडियम का आयनाइजेशन हो गया, ये Na से Na पॉजिटिव दिया और इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्लियर। अब क्या हुआ आगे समझते हैं। आगे ये हुआ देखिए यहां से Cl नेगेटिव
जो कि इस क्रिस्टल का एक पार्टिकल से Cl नेगेटिव यहां से विसरित हो जाता है, और ये जो Na पॉजिटिव यहां पर बना तो उन्होंने क्या करा, Na पॉजिटिव ये बना, Cl नेगेटिव आपको क्रिस्टल से प्राप्त हुआ जिससे NaCl यहां पर बन जाता है। अब क्या हुआ कि यहां से Cl नेगेटिव तो निकल गया और उसने क्या बना दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब यहां पर क्या होता है, एनायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इस एनायनिक वैकेंसी को भरने के लिए जो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर क्या होता है आ जाता है। जब ये आ जाता है तो एनायनिक वैकेंसी क्या हो जाती है, भर जाती है और क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो हम इस प्लेस को ही क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम एफ सेंटर कहते हैं। क्लियर, तो आपको समझ में आया है क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।